Assalamu alaikum, good evening, welcome to story of the day. In this story, I'm really very excited to share something with you. Aur wo kya cheez hai? Recently, I have traveled from Lahore to London. London se Lahore, Lahore se London aana mere liye ek bada exciting cheez thi jo ki I wanted to share it with you. As I traveled in Turkish Airlines via Turkey Istanbul, so कैसा रहा मेरा सफ़र एंड हाउ एक्चुअली द टर्किश एयरलाइन वॉज सो आई वॉन्टेड टू शेयर इट विद यू लेट्स गेट स्टार्टेड सो दिस स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम लाहौर टू फ्लाई इंशाल्लाह मेरी फ्लाइट है आज वी आर लीविंग फॉर एयरपोर्ट सुहेल मेरे साथ है अब्बू भी मेरे साथ हैं As I reached to Allama Iqbal International Airport Lahore, family से मिलने मिलाने के बाद दोस्तों से मिलने मिलाने के बाद और after checking in, I decided to move towards waiting area. बड़ी बात समय मिल गए और immigration clearance हो गई है और अभी हम जो है waiting area में wait कर रहे हैं मेरे साथ अकीम आज है अकीम आज अपने जूते उतार रहे हैं जूते उतार के इसने जो 5 किलो के जूते वो इसने निकाल के इस बैग में डाल दिए एक्चुअली मेरे पास वेटिंग जो टाइम था वो इट वाज ऑल अबाउट 1 आवर सो आई डिसाइडेड टू एंजॉय सम फूड एंड सम शॉपिंग थोड़ी सी शॉपिंग की थी ये टाइम आ गया है हमारा बोर्डिंग इन करने का और हमें बताया गया था बोर्डिंग पास पे गेट नंबर 21 था और अभी हमें भेजा जा रहा है 24 पे चेंज हो गया तो जाते हैं देखते हैं क्या सीन है हमारी फ़्लाइट जो है वो आ चुकी है दिस इज़ टर्किश एयरलाइन अच्छा जी हम जहाज़ में बैठ गए और लकीली चेक इन हमने पहले कर लिया था सीट तो चेंज हो गई थी मुझे लग रहा था कि जो है ना विंडो सीट नहीं मिलेगी और लकीली हमें विंडो सीट मिल गई है और हम देखेंगे ये बाहर के नज़ारे गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन एंड डियर चिल्ड्रन एज अ ट्रांस मेंबर वी वेलकम यू अबाउट टर्किश एयरलाइंस एंड फास्टली इंटरनेशनल एयरलाइंस फॉर शेयर्ड फ्लाइट टू इस्तांबुल एयरपोर्ट माय नेम इज कमसे टॉपचे एंड आई एम द कैबिन चीफ I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. Can you see forever we will go? The flight from Lahore to Istanbul was very enjoyable. Our jo Turkish Airlines ka staff tha, that was very friendly and cooperative. सो एंजॉयड द सीनरी ऑफ द इस्तांबुल सिटी वो जब आप एरियल व्यू देखते हैं इस्तांबुल सिटी का दैट्स सो अमेजिंग एंड मेसमराइजिंग जब आप बादलों में चल रहे हो और इस्तांबुल जैसा सिटी जो है ना आपके नीचे हो और आप देख रहे हो We'll be right back.
इस्तांबुल एयरपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, इस्तांबुल एयरपोर्ट इज़ वेरी मॉडर्न एंड वेरी लार्ज एयरपोर्ट, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, जो कि एक्चुअल में ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट इसलिए है कि टर्की जो है, टर्की इज़ द वन ऑफ द मेन लाइक स्टीम लाइन कंट्री इन द वर्ल्ड, जो कि एशिया और यूरोप को मिला रहा है, और उसमें स्पेसिफिकली जो इस्तांबुल एयरपोर्ट है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इस्तांबुल सिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो इसलिए जो टर्की इस्तांबुल का जो एयरपोर्ट है तो बहुत बड़ा और मॉडर्न एयरपोर्ट है। एक्चुअली वहाँ पे जो लोग कह रहे थे इट्स वेरी इजी टू नेविगेट, बट हमसे नेविगेट नहीं हो रहा था भाई, हमें D5 जो टर्मिनल था वही नहीं मिल रहा था। तकरीबन 2 घंटे का हमारा उधर स्टे था, 2 घंटे में से 1.5 घंटा हम D5 ही ढूंढते रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। और इस्तांबुल एयरपोर्ट है, हमें पता नहीं चल रहा कि हमने कहाँ जाना है। एक्चुअली हमने जाना है जो है D5 पे, हमें नहीं पता चल रहा। हमें एक टर्किश जो है ना ख़ातून ने बताया कि गो डाउन स्टेयर, हम डाउन स्टेयर आ गए, लेकिन आगे हमें उसकी समझ नहीं आई कि उसने क्या कहा था। तो अभी हम डाउन स्टेयर जा ही रहे हैं, देखें क्या बनता है। की लब ये ट्रेन ढूंढ रहे, अच्छा हम ढूंढ रहे हैं, नहीं नहीं हम अपना गेट ढूंढ रहे हैं, और ये नवाबजादा कह रहा है ट्रेन ढूंढे। ओ लोरिया लोरी आदत नहीं गई है ना दी, इन्होंने जन्नत से चले जाना ना, फिर भी कहना लोर लोर अच्छा जो इस्तांबुल से लंदन की जो फ़्लाइट थी वो, अगर मैं जस्ट फ्लाइट के एनवायरनमेंट की बात करूँ तो वो कोई स्पेसिफाइड नहीं था, मतलब कोई अच्छा इतना एडवांस और मॉडर्न नहीं था जितना कि एडवांस एंड मॉडर्न पाकिस्तान से इस्तांबुल तक का था, मतलब फ़्लाइट की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं स्टाफ की बात करूँ तो स्टाफ वॉज टू कोऑपरेटिव, और वो काफ़ी प्रोटोकॉल दे रहे थे, शायद उसमें सारे गोरे थे और इसलिए जो है ना वो इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल दे रहे थे, क्योंकि इस्तांबुल से जो भी लंदन आ रहे थे वो तकरीबन। Finally, after safely landing, we decided to move out from the Gatwick Airport. तो Gatwick Airport पर हमारा इस्तकबाल करने के लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त और फैमिली फूलों के हार लेके नहीं आए थे, लेकिन हमारा जो हॉस्पिटल था उसने हमारे लिए एक टैक्सी ड्राइवर ज़रूर भेजा था, एंड दैट टैक्सी ड्राइवर वॉज होल्डिंग अ बोर्ड, और उस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था हॉस्पिटल का नाम और नीचे लिखा हुआ था मेरा नाम। ही फेस्ड that board like this. As I saw that board and I went to him, तो उसने कहा मोहम्मद, I said yes मोहम्मद, तो उसने हमें रिसीव किया और हमें जो है हमारी जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचा दिया। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो ओवरऑल माई एक्सपीरियंस वॉज वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी अमेजिंग, क्योंकि इट वॉज़ माई वेरी फर्स्ट टाइम कि मैं एयर ट्रैवल कर रहा था और स्पेसिफिकली लंदन का सफ़र कर रहा था, जो कि ख्वाब होता है दो लोगों का, और मेरा भी ऑब्वियसली बात है एक मिडिल क्लास लड़के के लिए ख्वाब ही था। तो ओवरऑल सफ़र अच्छा था, ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा। जस्ट टर्किश एयरलाइन का जो एक्सपीरियंस था खाने वाला, वो मुझे खाना पसंद नहीं आया, क्योंकि टर्किश खाना था, हमारा कल्चर टर्किश वाला नहीं है, हमारा कल्चर स्पाइसेस वाला है, तो इसलिए जो है ना मुझे पसंद नहीं आया। और इसके अलावा एक चीज़ जो छोटी सी मुझे जो पसंद नहीं आई टर्किश एयरलाइन में, वो ये थी कि जो इस्तांबुल से गैटविक तक की जो फ़्लाइट थी उसका इंटरनल इन्वायरमेंट कोई मॉडर्न नहीं था, जिस तरह की पहली लाहौर से इस्तांबुल तक की फ़्लाइट थी मॉडर्न थी, उसके अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। खैर एवरीथिंग वाज वेरी फाइन, एवरीथिंग वाज ओके, मेरा जो सफ़र था वो भी ओके था। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे स्टोरी, मिलते हैं फिर कल की स्टोरी में। अल्लाह हाफिज़।